नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम 2 मीटर कपड़े में फुल साइज का ट्राउजर की कटिंग करना। तो यहाँ पर मैं आपको नाप बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो नाप क्या होगी, देखिए लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर 36 इंची और कमर हमारी यहाँ पर होगी 43 साइज की और हिप साइज यहाँ पर होगा हमारा 48 इस हिसाब से। और हमारी यहाँ पर जो थाई होगी, थाई यहाँ पर लेंगे हम 26.5 और घुटने का नाप आएगा हमारे यहाँ पर 19 इंची और मोरी जो नीचे की रहेगी मोरी लेंगे हम 13 इंची की। तो इसी नाप से मैं आपको कटिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके उसको लंबाई में हम इस तरह से सेट कर, यहाँ देखिए कपड़े को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। और मैं अब आपको बता देती हूँ, देखिए ऊपर से हम इंची टेप को यहाँ से 1 इंची निकाल के रखेंगे जहाँ से हमें बेल्ट लगानी है। तो इसलिए 1 इंची हमने इंची टेप निकाल के रख दिया है। अब सबसे पहले निशान हम लगाएंगे यहाँ पर लंबाई का, जो हमारी तैयार लंबाई रहेगी। देखिए 36 इंची पे मैंने यहाँ लगा लिया, 2 इंची हम यहाँ से फोल्ड के लिए लगा लेंगे तो टोटल हो गया हमारा 38 इंची। तो इस तरह से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे यहाँ से। देखिए दोनों निशानों को हमने सीधा कर लिया। अब आते हैं ऊपर की साइड में और ये देखिए जो किनारी वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ये हमने नहीं नापना है यहाँ से, क्योंकि किनारी से हमारा जो खिंचाव आता है वो हमारा आएगा। तो जो मुई मार्केट लगाएंगे हम इधर की साइड में लगाएंगे, इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो देखिए ये हमने किनारी यहाँ से कट कर दी है पूरे ही साइड। और सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं कमर का नाप। तो कमर हमारी यहाँ पर आ रही है 43 इंची, तो 43 का हम करेंगे फोर्थ पार्ट। अब देखिए 43 हमारा इस तरह से आ रहा है, बहुत आसान मेथड से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए 43 हमारे यहाँ आ गया, इसका हम करेंगे हाफ यहाँ से। ये देखिए आया हमारे यहाँ पर 21.5। एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे तो देखिए आ गया हमारे यहाँ पर 11.5 इंची। तो देखिए यहाँ से हम लगाएंगे 11.5 इंची प्लस 1 इंची लेंगे हम टक्स के लिए और 1 इंची लेंगे हम जो इधर उधर सिलाई का मार्जिन होता है। तो टोटल हमने 2 इंची ज़्यादा ले लिया यहाँ से, टोटल हमारा कितना आ गया आप देखिए 13 इंची आ गया। इसके बाद में 1 इंची हम ऊपर से छोड़ेंगे और नीचे की साइड में हम निशान लगाएंगे आसन का। तो आसन भी मैं यहाँ पर 13 इंची का ले रही हूँ, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे तो 13 इंची हमारे इधर आया था, 13 ही इंची हमारे यहाँ पर आएगा और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ से लेंगे हम, ये हैवी साइज का है तो यहाँ पर हम 2.5 इंची का आसन का निशान आगे की साइड में लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से हम 1.25 का निशान लगाएंगे। जब हम यहाँ पर छोटा साइज होता है तो यहाँ हम 1.5 इंची लेते हैं आसन, लेकिन यहाँ पर हैवी साइज है तो यहाँ हम 1.25 इंची का इस तरह से कर्व देंगे। देखिए इस तरह से हमने निशान यहाँ लगा दिया। अब देखिए ऊपर से इंची टेप को छोड़ेंगे, 1 इंची रखते हुए ऊपर से छोड़ के यहाँ से लगाएंगे हम थाई का निशान जो कि हमारा आ जाएगा 14.5 इंची का, जो कि हमारा ये घुटने का साइज जो होता है जो सबसे ज़्यादा हैवी साइज होता है वो आएगा। इसके बाद में आ जाएगा हमारे यहाँ पर घुटने का, ये हमारा थाई का है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा थाई का और यहाँ आएगा हमारा घुटने का निशान। टोटल आ जाएगा हमारे यहाँ पर लंबाई का, जो यहाँ पर हमारी मोहरी आएगी। ये 3 नाप लगाने हैं। अब 3 नाप देखिए, मेरा यहाँ पर जो थाई का निशान है उसका अब हम यहाँ से करेंगे सेंटर, इस निशान से इस निशान के बीच का हमने लगा लेना है 1/2 इंची टेप को इस तरह से, ये देखिए। और पूरे ही इस पे हमें इसी तरह से निशान को इंची टेप को सेंटर लाइन बना लेनी है नीचे तक, ये देखिए। अब हमने ये सेंटर लाइन बना ली, इस लाइन को हम ऊपर तक इस तरह से मिला देंगे तो हमारी सेंटर लाइन बन गई। अब हमारा जो थाई का नाप होगा वो हम यहाँ पर लगाएंगे। मेरे थाई का नाप जो आ रहा है वो 26.5 इंची आ रहा है। तो देखिए 26.5 इस तरह से लेंगे, इंची टेप को एक बार फोल्ड करेंगे और इस निशान को हम इस तरह से रखेंगे। देखिए 13.5 आया मेरा यहाँ पर, तो ये जो निशान हमारा आया है इसमें 13.5 का हाफ करेंगे हम इस साइड में और इसी तरह से इंची टेप को रखेंगे और हाफ करेंगे हम इस साइड में। तो ये निशान हमारा बी सेंटर पे आ गया। अब लेंगे हमारे जो घुटने का नाप है, घुटना मेरा यहाँ आ रहा है 19 इंची। तो देखिए इस तरह से हमने इंची टेप को लिया, आपका जो भी नाप आ रहा हो आप उसी हिसाब से इसको हाफ कीजिएगा, उसके बाद में उसका भी हाफ कीजिएगा, यानी कि हमें फोर्थ पार्ट करना है उसका। तो देखिए मेरा यहाँ आया 4.25, तो 4.25 को मैंने रखा बी सेंटर पे, एक निशान इस साइड लगाया और फिर इस साइड से रखते हुए हमने 4.25 पे इस साइड में निशान लगा लेना है। ये निशान आ गया। अब लगाते हैं हम मोरी का नाप। मोरी यहाँ रखनी है मुझे 13 इंची, यानी कि 6.5 आएगी। तो 6.5 में हमारी यहाँ पर 3.5 सूत कम आ जाएगा हमारा, इस तरह से एक साइड इधर आ गया और एक हमारा इस साइड आ गया। तो देखिए टोटल हमारे यहाँ पर 6.5 इस तरह से आ जाएगी मोरी। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है और इस वाले निशान को भी मिला लेना है। अगर आपके पास लेग शेपर है तो आप लेग शेपर की हेल्प से लगा सकते हैं और अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो सिंपल आप इस तरह से निशान को मिला के इन तीनों निशानों को इस तरह से मिला दीजिए, ये देखिए इस तरह से। और ये वाले निशान है इनको भी हमें इसी तरह से मिला देना है आपस में, देखिए। और यहाँ से हम हल्का सा गोलाई में शेप दे देंगे और इस वाले निशान को इस तरह से थोड़ा सा हम बाहर की साइड रखेंगे, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिए और अगर आपके पास लेग शेपर है तो आप इस तरह से सिंपली लेग शेपर को लीजिए और यहाँ से इस तरह से निशानों को मिला दीजिए, ये देखिए।
तो देखिए बिल्कुल हमारे निशान इस पर मिल के आए हैं, हल्का सा हमारे ये बाहर है। अब इस पेपर को हम इस तरह से पलट के रखेंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरह से रखेंगे। तो आप देखिए बिल्कुल मैंने जो निशान बिना लेग शेपर के लगाए थे उसी तरह से हमारे निशान यहाँ लग चुके हैं, और मार्किंग मैंने कर ली है, और इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने से पहले देखिए ऊपर की साइड में यहाँ से आ जाते हैं हम, यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं दोनों साइड से आधा आधा इंची का निशान लगा रही हूँ, और इस प्लेट्स की जो लंबाई लेंगे वो हम लेंगे 4 इंची। ये देखिए बीच सेंटर से इस तरह से, तो हमने ये मार्क कर दिया, और इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब देखिए फ्रंट पार्ट की हमारी यहाँ से कटिंग हो चुकी है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा इस तरफ इस तरह से सेट करके रखेंगे, और जहाँ से हमने इसके नीचे का बोरी निकाली थी इस साइड में, यहाँ पर हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ से ऊपर वाला साइड रखेंगे, और इसको हम ऊपर से 2 इंची नीचे की तरफ रखेंगे, और यहाँ से भी लगभग 2.5 इंची हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए कपड़े को कुछ इस तरह से सेट करेंगे हम, ऊपर वाली साइड से हमने मोहरी निकालनी थी वहाँ से हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इधर की साइड से तो हमारा ये बिल्कुल बराबर ही रहेगा। ये देखिए यहाँ से हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, देखिए पूरा बराबर जिस तरह से है इसी तरह से हमें निशान लगा देने हैं। तो ये देखिए इस साइड में हमने इसी तरह से निशान लगा दिया। अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि देखिए यहाँ से हमें 2 इंची ऊपर की साइड में लेना है, और इधर की साइड में भी हमें 2 से 2.5 इंची आगे की तरफ लेना है। इस निशान को हम इस तरह से रखेंगे, और इस निशान को नीचे तक हम मिला देंगे। यहाँ वाले निशान को हम इधर वाले निशान से इस तरह से मिलाएंगे। अब ये हैवी हमें हैवी साइज होता है, क्योंकि जब हमारा आसन होता है और जब हम बैठते हैं तो ये हमारा नीचे को खिंचता है, तो ये हमारा इसलिए इसमें एक्स्ट्रा होता है। ये हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है कि हमें लेना है। और यहाँ पर मैंने देखिए इसको 2 इंची लिया है, आप इसको 2.5 इंची भी ले सकते हैं। और यहाँ से भी मैंने इसको ये देखिए 2.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद में देखिए यहाँ से हम 2.5 इंची का निशान लगाएंगे और आगे की तरफ, और यहाँ पर हम शेप डाल देंगे। इतना साइड हमें आगे की तरफ लेना है, और नीचे की तरफ इधर की साइड से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है यहाँ से हम 2.5 इंची एक्स्ट्रा लेंगे। और आपका स्मॉल साइज है तो यहाँ पर आप 2 इंची 1.25 इंची भी ले सकते हैं। ये हैवी साइज है तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है। इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे, और अब हम इसी से यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। यह देखिए हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की यहाँ कटिंग हो चुकी है। इन दोनों पीस को हम एक साइड रख देते हैं, और इसके बाद में आप देख सकते हैं ये हमारा कपड़ा बचा है, और ये हमारा कपड़ा बचा है। तो इसमें से हमें कटिंग करनी है बेल्ट की और पॉकेट की। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए देखिए कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट वाला है, तो इसको हम सबसे पहले नाप लेंगे कि हमारी चौड़ाई कितनी है। देखिए 12 इंची आ रही है कपड़े की चौड़ाई। स्टिकर को एक साइड रख देते हैं हम निकाल के, और देखिए कपड़े को हम इस तरह से नाप लेते हैं। कपड़े की चौड़ाई यहाँ हमारी कम हो रही है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो देखिए कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से निशान लगाना हमें 6.5 इंची का, और यहाँ से भी 6.5 इंची का। इसके बाद में देखिए इधर की साइड में निशान लगाएंगे हम 1.5 इंची का। 5 इंची की रखेंगे हम, 5.5 इंची की पॉकेट ओपन रखेंगे, और यहाँ से रखेंगे हम 6 इंची का। तो टोटल हमें नाप लेंगे 13.5 इंची हमारे यहाँ आ रहा है, और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर देंगे, और यहाँ से इतना ही कपड़ा हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ देखिए पॉकेट की हमारे यहाँ से कटिंग हो चुकी है, इसको भी हम एक साइड रख लेते हैं। और अब हमें कटिंग करनी है बेल्ट की, तो फ्रंट की बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए कपड़ा हमारे यहाँ पर जो हमें चाहिए होगा वो 22 इंची चाहिए होगा, यानी कि टोटल हमारा 11 × 22 ये इस तरह से आ जाएगा। 1/2 इंची हम यहाँ पर 1 इंची सिलाई का मार्जिन ले लेंगे, और देखिए इसकी चौड़ाई हमारी यहाँ पर आ जाएगी 3.5 इंची की। तो यहाँ से इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट की जो बेल्ट होगी वो आ जाएगी, और इस कपड़े में से हम बैक की जो बेल्ट होती है वो हम कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से हम इसको नाप लेंगे। तो देखिए वो हमारी 22 इंची आई थी, और 22 इंची में हम इस तरह से 5 इंची प्लस कर देंगे, तो टोटल हमारी बेल्ट इतनी आएगी। यहाँ से इतनी लंबी पट्टी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमने बैक की पट्टी भी इस तरह से कट कर ली है। तो अब देखिए ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पर बच गया, आप देख सकते हैं साइड से कतरन हमारी बची है। तो ये हमारी
बेल्ट हो गई बैक की, ये बेल्ट हो गई हमारी फ्रंट की, ठीक है, ये हो गई हमारी यहाँ पर पॉकेट और ये पीस हमारे फ्रंट और बैक के हो गए। ये देखिए ये हमारे फ्रंट के हैं और ये हमारे बैक के हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और कोई भी आपका सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।